चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, जिसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपके 13 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किए, दो तीन चैप्टर इतने बोरिंग थे कि आपको ही बोरिंग नहीं लगे होंगे, हर किसी को। क्योंकि अगर आप प्रयोगशाला में बैठ कर अगर उन्हें पढ़ रहे होते, वो प्रयोग कर रहे होते, तो आपको बड़ा मजा आता करने में। लेकिन आप लोग पढ़ रहे थे केवल, अपने दिमाग में बैठा रहे थे, तो आपको बड़े बोरिंग लग रहे थे। और याद रखिए, इन्हें आप लोगों को पढ़ना है, अब बोरिंग लगे कुछ भी लगे। और ये लास्ट बुक है आपकी विज्ञान की। इसके बाद जो 11वीं और 12वीं की बुक्स हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर आपकी कोई इकोनॉमी की हो, सब बड़े मजेदार बुक्स हैं। तो इसके दो चैप्टर और बच्चे, 15 और 16, इन्हें कवर कर लीजिए अच्छे से, और एक से दो बार पढ़ लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है? एक नॉर्मल आपका एक तरह से नींव बन जाए, काफी है उतना। तो इसमें आप लोगों ने लास्ट चैप्टर आपका देखा था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जाना था। आज के इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग ऊर्जा के स्रोत। आजकल वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि जब से नई सरकार आई हुई है हमारी 2014 से, तो उसके बाद आपने देखा है नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि आप देखते हैं कि जल ऊर्जा हो गया, फिर चाहे सौर ऊर्जा हो गया है, कई पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जानते हैं आखिर कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और याद रखिए, सिविल सर्विस के लिए आपकी जितनी भी एनसीईआरटी जो जरूरी है, उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और हम लोग भी आपकी कवर करवा देते हैं, ठीक है? अपने आप से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है सभी एनसीईआरटी। कक्षा 9वीं में हमने यह सीखा था कि किसी भौतिक अथवा रासायनिक विक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तब फिर हम क्या क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहते हैं? ऊर्जा को यदि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही वह नष्ट होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें एक नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही एक तरह से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। आप कहिए कि पानी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि पानी आज जितना है और आज से 50 साल पहले भी उतना था, लेकिन ये अलग अलग रूपों में बदल जाता है। आप सोचिए कि आपके पास 1 लीटर पानी है, वो गंदा हो जाए, तो पानी है तो पानी, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह ऊर्जा भी होती है कि अन्य रूपों में, ऐसे रूपों में बदल जाती है कि उसमें आप लोग उपयोग नहीं कर सकते उनका, ठीक है? यदि हम याद करेंगे हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या सीखा, तो इस पहेली को हल किया जा सकता है। ऊर्जा के विविध रूप हैं और तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं, तो प्लेट की स्थिति ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यहाँ भी आपका ऊर्जा से का रूपांतरण हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो विक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, और इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अस्तित्व और क्या अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं? किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें, तो क्या हम किसी भी प्रकार से अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं? आइए अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम 10 माफ करिए 100 ml जल लेते हैं, जिसका ताप आपको 348 केल्विन, इसमें 75 डिग्री सेल्सियस में है। तो इसे किसी कमरे में रखा रहने देते हैं जिसका तापमान 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है। कुछ समय पश्चात क्या होता है? ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुए समस्त ऊष्मा को एकत्रित करके करके जो जल एक बार ठंडा हो गया है, उसे गर्म किया जाए। ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं, वह उपभोग हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन सब के बारे में हम लोग इनके आंसर नीचे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, सबसे अच्छा। तब फिर किसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाना जाए। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं, और इस समय मुझे लगता है कि आप ऊर्जा के बिना जीवन संभव है ये नहीं कह सकते हैं।
रेलगाड़ियों को चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं, सड़कों के लैंपों को दीप्तमान बनाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम लोग, साइकिल से विद्यालय जाने में पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 14.1 को पढ़िए, केवल अच्छे से पढ़ना है आपको। प्रातः काल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से ऊर्जा की किन्हीं चार रूपों की सूची बनाइए। इन विभिन्न रूपों की ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या हम इन्हें ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं, क्या अथवा क्यों नहीं। इसे देखिए, क्रियाकलाप में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसके नीचे जो पॉइंट दिया रहता है उसे जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विविध विद्युत संधियों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप से में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोतों का चयन किस प्रकार किया जाता है। अब क्रियाकलाप 14.2 को भी पढ़िए। उन विविध विकल्पों पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे पास होते हैं। किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय आप किन मापदंडों का विचार करेंगे? क्या तब आपकी पसंद भिन्न होती है जब आप वन में जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं, किसी सुदूर पर्वतीय ग्राम अथवा छोटे द्वीप पर जीवन निर्वाह यानी कि जी रहे होते हैं, नई दिल्ली में जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं, 5 शताब्दियों पहले जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं, उपयुक्त प्रत्येक परिस्थिति ईंधन की उपलब्धता की दृष्टि से किस 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 भिन्न प्रकार भिन्न होती है। आप जहां भी रहेंगे उस हिसाब से इसे जान पाएंगे। उपयुक्त दोनों क्रियाकलापों को करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। कौन कौन से प्रश्न? यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त होती है यानी कि जलाने में कितनी ऊष्मा आपको मिलेगी? क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है? क्या यह आसानी से उपलब्ध है? एक तरह से प्रश्न है आपको। क्या आप ईंधन के विषय में 3 और प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं? जितने भी वर्गों के ईंधन आज उपलब्ध हैं, यदि हमें उनका चयन करना हो तो वे कौन से कारक हैं जो किसी विशेष कार्य जैसे भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं? क्या जिस ईंधन का चयन किया गया है वह किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है? उदाहरण के लिए, क्या हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए एक ईंधन अथवा कमरे के को गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे? इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से यानी कि सुलभ हो सके यानी कि सरलता से मिल सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो यानी कि आपको भंडारण करना है या उसे ले आना है, ले जाना है, तो उसमें आसानी हो, कम खर्च रहे। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह सस्ता भी हो। आप देखते हैं कि उबले और लकड़ियों से खाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है। वहीं गैस सिलेंडर का आप देखिए, लेकिन आपने देखा है कि नई सरकार आने के बाद काफी उज्ज्वला योजना आप लोगों ने सुना है। इससे आप देखिए कि महिलाओं की स्थिति जो खराब होती थी, उनके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता था उसे भी रोका जा सकता है। देखिए, जो आने वाली पीढ़ी रहेगी, आप देखिए, महिला स्वस्थ होगी तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा, ठीक है? तो इस काफी योगदान मिला है इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए। ऊपर आपने जो टॉपिक पढ़ा है, एक तरह से पैराग्राफ, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की बात करें, ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक जैसे ही शब्द आपके मन में आता है आप पुराने जमाने में चले जाते हैं। अब कह देते हैं कि हम पारंपरिक जीवन जी रहे हैं, ठीक है? जीवाश्मी ईंधन के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी पारंपरिक ईंधन है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। आज भी कई जगह आप देखेंगे इसका उपयोग आज भी होता है। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा वैद्य जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। बढ़ती हुई उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी है और इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हुई है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन कोयला पेट्रोलियम से की जाती थी। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए गए, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं और तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे।
ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है, परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन पर भी परी बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। एक बात याद रखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कोयला है आपके पास, या मान लीजिए कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, एक तरह से जो भी प्राकृतिक गैस है, ये देखिए इसमें इसे बनने में हजारों साल लगे, लाखों साल लगे, और खर्च करने में इन्हें बहुत कम समय में ही खर्च कर देते हैं आप लोग। तो इसी दर से अगर हम लोग इन्हें खर्च करते रहे, यानी कि इनका उपयोग करते रहे, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, उस समय आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, और इनसे आप देखेंगे प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। तो ऐसे विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है जो प्रदूषण भी कम फैलाते हो, यानी कि हानिकारक भी कम हो और अधिक समय तक चल सके। अब आप सोचिए पानी से अगर ऊर्जा बनाई जाए, या आप सोचिए कि वायु से यानी कि पवन से ऊर्जा बनाई जाए, या आपके सूर्य से ऊर्जा बनाई जाए, तो ये कब तक रहेंगी? ये तब तक रहेंगी जब तक आपका जीवन रहेगा, और तब तक आपको जरूरत है। तो ऐसी ऊर्जाओं पर यह है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, यहाँ आपको देख लीजिए, कोयला सबसे ज्यादा उपयोग होता है आज के समय में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये भी होता है, फिर जल से मिलती है नाभिकीय ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी। भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाला विस्तारित है, अभी की बात कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में क्या होता है इसे आप लोग देखते रहिए। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हैं। हमने कक्षा 9वीं में कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में सीखा था, और आज आप देखिए कि वायु प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि आयोग बनाने पड़ रहे हैं, समितियां बनानी पड़ रही हैं इससे निपटने के लिए। दिल्ली में आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं ना कि वो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना वायु प्रदूषण प्रदूषित हो चुकी है। तो आप सोचिए एक तरह से ये भी एक तरह से मामला हो चुका है इसी का, इतने वाहन हो चुके हैं, आप सोचिए आप लोग इतना प्रदूषण फैला रहे हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, और इनमें अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन और डाइऑक्साइड जैसे गैसों के ग्रीन हाउस पौधघर प्रभाव को याद कीजिए। एक बात और आपको बताऊं, एक आपने देखा होगा दीपावली पर एक आप लोग झालर ले आते हैं जलाने के लिए, बल्ब ले आते हैं छोटे छोटे, एक लाइन में कई बल्ब लगे रहते हैं, जैसे ही आप देखते हैं कि एक बल्ब में खराबी आती है पूरा मतलब एक तरह से चौपट हो जाती है वो। तो याद रखिए कोई भी हो प्रदूषण सबको, आप सोचिए वायु प्रदूषण और बाकी क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन विक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसें तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया भी जा सकता है। क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन का गैस स्टोव यानी कि चूल्हों और वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होता है। आइए अब हम एक छोटा सा संयंत्र बनाकर इसे कुछ विद्युत उत्पन्न करें, और यह देखें कि ऊर्जा के सरल एवं उपयोगी रूप को उत्पन्न करने के लिए क्या-क्या करना होता है। तो चलिए इस क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ लीजिए। 14.3 को एक टेबल टेनिस की बॉल लीजिए और उसमें तीन छिड़ियां बनाइए, झिरियां बनाइए। धातु की चादर से अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियां काटिए, उन्हें बॉल की झिरियों में लगाइए। धातु का एक सीधा तार लेकर इसे बॉल के केंद्र से होकर गुजाइए तथा तार को धुरी की भांति प्रयोग करके बॉल को कील कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि बॉल धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन करे। अब इसके साथ कोई साइकिल डायनेमो जोड़िए, डायनेमो के साथ एक टॉर्च बल्ब संयोजित कीजिए। पंखुड़ियों पर जल की धारा अथवा दाब कुकर में उत्पन्न भाप डालिए, आप क्या देखते हैं। तो इससे क्रियाकलाप पढ़ने के बाद नीचे जो पॉइंट रहता है इस पर बार बार जोर दे रहा हूं, इससे आप लोगों को जरूर पढ़ना है, क्रियाकलाप करते हुए नहीं बैठ जाना है बिल्कुल भी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमारा टरबाइन है, सर्वोत्तम टरबाइनों का गतिशील भार रोटर ब्लेड संयोजन है, गतिशील तरल ब्लेडों पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि वह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो के सेट को घुमा देती है। देख, विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है। डायनेमो के सेफ्ट को घुमाने के लिए ये विविध ढंग हो सकते हैं, परंतु किस ढंग को अपनाया जाए यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित अनुभागों में हम यह देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विविध स्रोतों का किस प्रकार प्रयोग उपयोग किया जा सकता है। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए मॉडल एक तरह से दाब कुकर, ऊष्मा नीचे से, भाप नली, टेबल टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियां, डायनेमो और वाला, इस तरह से आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं अपने आप में भी। ठीक है, आप समझिए। अब बात करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र की। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टर्बाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचयन अधिक दक्ष होते हैं और यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने के कारण यह है कि इन इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। फिर आप सुनते होंगे जल विद्युत संयंत्र, ये तो काफी आप लोगों ने जाते भी होंगे, कई डैमों के पास जाते होंगे, वहां भी इसलिए लगा हुआ देखते होंगे। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिक ऊर्जा होती है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि आप समझिए कि ऊपर से कोई नहर छोड़ रहे हैं आप, तब भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं आप जल से। ठीक है, स्थितिक ऊर्जा से आप लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों में से समृद्ध किया जाता है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, जैसा कि हम चित्र 14.1 में देख सकते हैं। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग की चौथाई भाग का पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। आप लोग किसी बांध को देखते हैं तो कह देते हैं बहुउद्देशीय बांध है, कहने का मतलब है कि उस बांध से कई उद्देश्य आपके पूरे हो रहे हैं। जल सिंचाई, आपको पीने के लिए जल भी मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा भी उससे उत्पन्न हो रही है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों कृत्रिम झीलों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन करते हैं और जनित द्वारा विद्युत उत्पादन करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जलाशय हो गया, जल कपाट हो गया, इस तरह से आप देखते भी होंगे। ये टरबाइन हो गई, ये घूमरेगी, ये नदी हो गई और पावर लाइन यानी कि यहाँ पावर हाउस लगा हुआ और विद्युत आपको मिलने। माता टीला आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादा नहीं आप बुंदेलखंड के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और आपके आसपास जो भी बांध हो उसमें आप लोग जाकर देख भी सकते हैं अगर इस तरह की सुविधा है। ठीक है, चूंकि हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा को एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी माना गया है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी ना किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है। याद रखिए पारंपरिक ऊर्जा एक तरह से वो स्रोत हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नवीकरण या नवीकरण ऊर्जा भी कहते हैं, और नवीकरण ऊर्जा की बात करें तो ये ऐसे स्रोत हैं जो आपकी जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस दिन, जिस दिन आप सोचिए कि सूर्य खत्म हो जाएगा, उस दिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। ठीक है, परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्र ही निर्माण किया जा सकता है, इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण में बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। वे आवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों की संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और गंगा नदी पर टहरी बांध के निर्माण और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजना का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण ही हुआ था। एक काफी आप लोगों ने सरदार सरोवर बांध का के विरोध में काफी प्रदर्शन भी हुआ आपने, नर्मदा नदी नर्मदा बचाओ। ठीक है, तो ये काफी एक तरह से समस्याएं हैं। वो आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग उसमें 50% हानि है, 50% नुकसान है, समझ रहे हैं आप लोग। आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी तो जोखिम रहता है, लेकिन आप जोखिम पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह की हर क्षेत्र में समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है कि वही है कि सरकार चुन रहे हैं आप लोग,
तो मैं कहता हूं कि चोर तो सब है, लेकिन कम चोर है उसे चुनिए ना। अब ऐसा नहीं कि सब चोर हैं तो आप वोट देना बंद कर दें, ये तो गलत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की अगर बात करें हम लोग, तो जैव मात्रा बायोमास, हम यह वर्णन कर ही चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम यह सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ईंधन के रूप में उपलों के दहन से आप भलीभांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, इसलिए ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है और इससे अपेक्षा के कम धुआं निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। आप समझिए कि आप लोग जब देखते होंगे, बचपन से आप लोग निकल रहे होंगे तो अपने घर के आसपास ही देखते होंगे कि बहुत सारे वृक्ष लगे रहते थे। आज उनको देखिए आप लोग, क्या आप लोगों ने कोई संतुलन बना के रखा है? आप समझिए कि आपने एक वृक्ष काटा है तो दूसरा लगा भी तो देते, लेकिन आपने इस तरह का अगर संतुलन होता तो आपके आज से कुछ सालों पहले आपको जो पेड़ दिखाई देते वही दिखाई देते आज भी, लेकिन आज साफ होते जा रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि आप जब भी बर्थडे मना रहे हो, अपना जन्मदिन मना रहे हो, उस समय एक दो वृक्ष आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। आप सोचिए पार्टी में आप 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 खर्च कर देते हैं, एक छोटा सा वृक्ष लगा दीजिए, वो आपके जीवन के साथ चलता रहेगा और आपकी याद भी बनी रहेगी। पार्टी का क्या, आज खत्म होती है कल भूल जाते हैं हम, ठीक है? तो इस तरह का आप कर सकते हैं और एक एक करेगा तो आप सोचिए कितना आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसी प्रकार गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पादप तथा भेद मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस यानी कि जैव गैस निकलती है। चूंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाले आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसका प्रचलन नाम गोबर गैस भी कहते हैं। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है जिसे चित्र 14.4 में दर्शाया गया है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। संपाचित यानी कि डाइजेस्टर एक कदम मिट्टी, गैस की टंकी, मिट्टी, खाद उर्वरक, इस तरह से। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुम्बद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल घोल जिसे कर्दम कहते हैं बनाया जाता है, जहां से इसे संपादित यानी कि डाल दिया जाता है। यहाँ से संपाचित चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिसे जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों को का अपघटन कर देते हैं और अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचित के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी की से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस होती है, यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। इसकी तापन क्षमता भी आपको उच्च देखने को मिलेगी। जैव गैस का उपयोग विकास के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को कम समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं और इस स्लरी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, अतः एक उत्तम खाद के रूप में काम करते हैं। इसी तरह से तो आप जैविक खाद बनाते हैं और आप देखेंगे कि जैविक खाद से आपकी उत्पादन क्षमता भी फसलों की बढ़ती है, ठीक है? जो इस तरह के खाद अभी जो आ रहे हैं इनसे ज्यादा उत्पादक होते हैं वो। इस प्रकार जैव अपशिष्ट वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, क्या आप भी यह सोचते हैं? अब बात करते हैं जैव मात्रा के बारे में। याद रखिए हाइड्रोजन गैस को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जलने से आपको प्रदूषण बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? पवन ऊर्जा की बात करें,
इसे देखते होंगे, बबन गुड़िया। कक्षा 9वीं में हमने यह देखा है कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा प्रचालित जल पंप पानी को ऊपर उठाने वाले पंपों में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घोड़ी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत संपन्न उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई तक पर खड़ा कर दिया जाता है। आप लोगों ने इंदौर में देखा होगा, काफी पवन चक्कियों के लिए फेमस है। कभी जाए आप लोग तो देख के आए वहां, ठीक है। पवन चक्की की घोड़ी घोड़ी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और किसी एकल पवन चक्की का निर्गत अर्थात उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं है। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं और इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा का फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। और याद रखिए पवन यानी कि वायु आप लोग सोचिए कि उस समय तक रहेगी जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा धरती पर, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि आप लोग बचपन में देखते होंगे एक पंखुड़िया खरीदते थे ना, वो उड़ाने के लिए आप वायु की दिशा में दौड़ते थे, तो इसी तरह से आप सोचिए कि ये भी चलती है, पवन चक्की भी चलती है, ठीक है। यहाँ डेनमार्क, इस देश के बारे में काफी सुना भी होगा आपने। डेनमार्क को पवनों का देश भी कहते हैं। और आप याद रखिए कई बार आपका वनडे एग्जाम में पूछ लेता है या आपका इंटरव्यू में भी पूछ लेगा कि डेनमार्क किस कारण से प्रसिद्ध है, किस कारण से इसे पवनों का देश कहा जाता है। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशालतम नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है यहाँ, ठीक है, डेनमार्क में। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में 5वां स्थान है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमानों के अनुसार लगभग आप देखेंगे 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। और भारत में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु पहले नंबर पर है, ठीक है, पवन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के मामले में तमिलनाडु, ठीक है। नीचे बात करते हैं, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी और दक्ष स्रोत होता है क्योंकि इससे कोई आप देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार आप लोग लगा दीजिए सालों तक चलता रहेगा। परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है, यानी कि जहां अधिक पवन चलेगी वहीं आप लोग इन्हें स्थापित कर सकते हैं। टरबाइन की आवश्यकता, आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही संचायक सेलों जैसी कोई पूर्ति का सुविधा भी होनी चाहिए जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती हो। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। एक मेगावाट के जनित के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक होती है। इसके फल पर अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार पर पंखुड़ियां वायुमंडल में खुली होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूल, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं, अतः इनके उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता भी होती है। इनसे एक और हानि होती है कि हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण में जो हमारे और भी जीव हैं जैसे पक्षी उड़ने वाले, ये अगर इनके बीच आ जाते हैं तो उनकी मौत भी होती रहती है, तो उन्हें भी एक तरह से नुकसान होता है। तो ऊपर जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। अभी आपने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखे, अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखिए कि यानी कि ये खत्म हो जाएंगे तो वैकल्पिक तो होना चाहिए आपके पास। आप लोगों ने देखा कि आपने कहा कि चाइनीज सामानों का बैन कीजिए यानी कि बायकॉट कीजिए, लेकिन कैसे बायकॉट करेंगे आप लोग? आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए उसके लिए, तब तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक दुकान है किराने की, आप कहते हैं कि उसके यहाँ से दुकान से सामान नहीं लेंगे,
तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प तो होना चाहिए कि किसी दूसरे के पास आप जा सकें। अब मान लीजिए कि एक ही है दुकान, तो आप कहाँ से बायकॉट कर पाएंगे? तो इसीलिए इस नई नई तकनीकी देखे जा रही हैं, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है इन पर जोर दिया जा रहा है, और वैकल्पिक ईंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, और हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए आधिकारिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे उद्योगीकरण से हमारे जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। आज से कुछ साल पहले आप देखिए आप कितनी ऊर्जा का उपयोग करते थे, आज आप देखिए कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। पहले आप गांव में एक आध गाड़ी मोटरसाइकिल हो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, आज देखिए घर में मुझे लगता है कि चार भाई हैं तो छह गाड़ी होंगी, आप खुद देखते हैं। भली वो यूज हो रही हो या नहीं हो रही, इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक मामला ये भी है। आप देखिए गाड़ियों की, मुझे लगता है जितने लोग नहीं है वहां उनसे ज्यादा आपको गाड़ियां देखने को मिलेंगी। हर घर में आप देखेंगे दो से चार गाड़ियां रखी रहेंगी, काम की हो या ना हो फिर भी रखी रहेगी, चलती रहेगी। क्रियाकलाप 14.4 को पढ़ लीजिए। अपने दादा दादी अथवा अन्य वायुविद से यह पता लगाइए कि अपने विद्यालय कैसे जाते थे, अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे। उपयुक्त तो उत्तरों की तुलना इस प्रश्न के उत्तर से कीजिए कि अब आप इन कार्यों को कैसे करते हैं, क्या इन अंतरों में कोई अंतर है, यदि हाँ तो इस किस स्थिति में बाह्य स्रोतों से अधिक ऊर्जा उपभोग होती है। आप देखते थे कि आप बचपन में 5 किलोमीटर तक भी पैदल चले जाते, साइकिल से चले जाते थे, आज आप देखिए आपका बच्चा अगर 500 मीटर भी जा रहा है तो आप बाइक से छोड़ने जा रहे हैं, या बस आ रही है उसे लेने के लिए, टेम्पो आ रही है, समझ रहे हैं ये बदलाव हुए हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं तथा ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। जिस किसी भी ऊर्जा के नए स्रोतों को हम खोजते हैं उसी के उपभोग को उपयोग को मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियां विकसित की जाती हैं। अब हम ऊर्जा के उन नवीनतम स्रोतों पर ज्यादा जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उन प्रौद्योगिकी की ओर जिसे हम स्रोतों से संचित ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है अपनी दृष्टि से डालेंगे। कुछ विचार करने लायक है, आप लोग करते रहिएगा, PDF आपके पास है ही। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान धर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकसित कर रहा है, ये भी आपका नई नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। इससे भी कम आपको प्रदूषण मतलब नुकसान कम देखने को मिलेंगे, फायदे अधिक देखने को मिलेंगे तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकसित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है, इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारे देश में प्रति वर्ष आप देखेंगे कि अर्थात इसे आप लोग पढ़ते रहिए, जीरो जोड़ते रहिए, अर्थात 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। स्वच्छ आकाश बादल रहित की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोवाट आवर प्लस मीटर स्क्वायर के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी माना जाता है। अनुमानता इसका सन्निकट मान 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा इस तरह से आप देख सकते हैं। अधिक जीरो जब आप लिख रहे होंगे, जैसे आप 10 लाख लिखना है, 10 लाख बोलने से अच्छा है अगर कहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां बोल दीजिए आप लोग कि 1 मिलियन, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, फायदा रहता है, है? अब आप आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे जीरो, देखिए ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग अगर जीरो जोड़ के भी बोल रहे हैं कई दहाई सैकड़ा इस तरह गिन के तब भी आपका सही, लेकिन सहूलियत के लिए आप चुन लेते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 14.5, दो शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, इनमें से एक को काला तथा दूसरे को सफेद पेंट से पोत दीजिए, दोनों में जल भरिए। इन शंक्वाकार फ्लास्कों को 1 से 1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए। दोनों फ्लास्कों को स्पर्श कीजिए, इनमें कौन तप थे आप इन दोनों फ्लास्कों के जल के ताप मापी द्वारा भी माप सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं कि जिनके द्वारा इस ज्ञान का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं?
इस तरह से देखिए, कांच की सीट हो गई, परावर्तित होते हुए प्रकाशकरण और दर्पण, सौर कुहर। सर्वप्रथम परिस्थितियों में परावर्तक पेस्ट अथवा श्वेत सफेद पेस्ट की तुलना में कृष्ण काला पेस्ट अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि गर्म ठंडों के दिनों में, ठंड के दिनों में आप काला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और अधिकतर आपके देखते होंगे स्वेटर हो गया या जरकन हो गई, इस तरह के कुछ भी काले कपड़े के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और गर्मी बनाए रखते हैं। और गर्मियों के दिनों में देखते होंगे सफेद कपड़े आप लोग पहनते हैं। सौर को करो यानी सौर जल, तापों की कार्यविधि में इसी गुण का उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकरों, कुकरों यानी कुकर जो में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की सीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए कि पौध घर प्रभाव के विषय में हमने क्या सीखा था, क्या इसके कांच के ढक्कन को उपयोग करने का कारण स्पष्ट होता है। क्रियाकलाप 14.6 को पढ़ लीजिए। किसी कुकर, सौर कुकर अथवा सौर जल तापक की संरचना तथा कार्य प्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि से अध्ययन कीजिए कि उसमें ऊष्मा रोधन कैसे किया जाता है तथा अधिकतम ऊष्मा अवशोषण कैसे सुनिश्चित करते हैं। सस्ती सुलभ सामग्री का उपयोग करके किसी सौर कुकर अथवा सौर जल तापक का डिजाइन बनाकर उसकी संरचना कीजिए, और यह जांच करिए कि आप इस निकाय में अधिकतम ताप कितना प्राप्त कर सकते हैं। सौर कुकरों अथवा सौर जल तापकों के उपयोग की सीमाओं एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये आप सौर पैनल, ये तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, आप भी अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समय पर ही उपयोगी होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पाया जाता है। सौर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है, जिससे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त होती है। अभी आपने रीवा में सुना भी होगा, बहुत बड़ा एक तरह से सौर पैनल लगाया गया है, प्रोजेक्ट इस तरह का। ठीक है, कभी जाकर वहां देख भी आइएगा। सौर सेलों के साथ समृद्ध प्रमुख लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता है, इनका रखरखाव सस्ता होता है, ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा आगम स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें ऐसे बितरे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला होता है तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। और याद रखिए, ये जब लगाते हैं आप लोग तो महंगे पड़ते हैं, लेकिन बाद में आपको देखा होगा कि इसमें कम मतलब आपको खर्च आएगा। ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाली विशिष्ट श्रेणी को सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित करती है, और सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों के को परस्पर संयोजित करके और सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग भी होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। आप लोगों में से भी अधिक लोगों के घरों में इस तरह का उपयोग होता होगा। रेडियो तथा अथवा बेतार संचार तंत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रेलों रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनत छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। और तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। ठीक है, लेकिन एक बार लगाने के बाद आपको मतलब कम महंगा पड़ेगा, लेकिन जब खरीदेंगे आप लोग तो आपको महंगा पड़ेगा। वही है कि आप मानिए कि आप जाते हैं कहीं यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि बस में किराया ज्यादा लग जाता है, टैक्सी वाले ज्यादा ले लेते हैं। आपके पास बाइक है तो आपको सरल पड़ता है, लेकिन जब बाइक खरीदते हैं तो महंगी पड़ती है, उसी तरह है। ठीक, अब बात करते हैं समुद्रों से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और आप देखते हैं हमारे आसपास समुद्र है, हिंद महासागर, हमारे देश के नाम पर पड़ा हुआ है इसका नाम हिंद महासागर, और आप जानते हैं कि अधिकतर जल है।
ज्वारीय ऊर्जा घूर्णन गति करते करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता गिरता रहता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप यह अपेक्षण कर सकें कि समुद्र में जब जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस घटना को आप ज्वार भाटा ऊपर आना और नीचे गिरना समझ रहे हैं, इससे भी आप लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ज्वार भाटी में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। फिर आप सुनते हैं तरंग ऊर्जा। इस प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंग उत्पन्न करती है। तरंग ऊर्जा का वही पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है। जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हों तरंग ऊर्जा को टैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र अथवा महासागर के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त होता है और जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रव की वाष्प फिर जनित के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। महासागरों की ऊर्जा की क्षमता ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन में काफी कठिनाई है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास विकल्प जरूर रहेगा। ठीक है, फिर एक आप सुनते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूमकीय परिवर्तनों के कारण भूपरपटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों पर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्रित हो जाती है और इस क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इस तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है और इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत भी कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है और जहां इनका दाब अत्यधिक हो जाता है तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित की टरबाइन की को घुमाती है जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। हम लोग पीछे हैं लेकिन आने वाले समय में हम लोग भी आगे होंगे। अभी क्या है, हमारे देश में तकनीकी का अभाव है लेकिन अब देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफी बढ़ावा मिल रहा है। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, ये भी काफी चर्चा में रहती है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इसलिए यह कोयला से बेहतर है, बहुत बेहतर है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन सौपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए इसको। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान का अंतर आपको डेल ए एम और ऊर्जा ई में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा ई की दर सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सर्वप्रथम व्युत्पन्न व्याख्या समीकरण ई बराबर एमसी स्क्वायर द्वारा नियंत्रित की जाती है जहां सी प्रकाश की निर्वात में चाल है और नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है और उपयुक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से जांचा जा सकता है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है।
तारापुर महाराष्ट्र, इन्हें भी याद रखिए, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपत्तम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, और काकरापार गुजरात और केगा कर्नाटक में। पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की प्रतिस्थापित क्षमता हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा 3% से भी कम, अभी कम है, लेकिन आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तथापि बहुत से औद्योगिक देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कर सकते हैं, और हमारे देश में अभी भी आप देख रहे हैं मात्र 3% से भी कम आपको देखने को मिलेगी। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्णता उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करने से, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक घातक कणों विकिरणों में क्षयित होता है, यही एक तरह से इसमें समस्या बनी हुई है। और यदि नाभिकीय अवशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित विकास नहीं होता है तो इससे पर्यावरण भी संतुलित यानी कि पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है, और नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय संदूषण का प्रबल खतरा, और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बेहद स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग को निषेधक बना देते हैं। और नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया, किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों ही प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। आप नाभिकीय हथियारों की भी बात करते रहते हैं तो यही है, ठीक है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन। आजकल सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परंतु एक अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, जिसे सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, और इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यक्तिगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्त चरम कोटि की है, मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब। हाइड्रोजन बम ताप की नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के करोड़ में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थों में अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है को अभी विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10^7 केल्विन तक पहुंच जाता है, और यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रियाकलाप को पढ़ लीजिए। कक्षा में इस प्रश्न पर चर्चा कीजिए कि महासागरीय तापीय ऊर्जा पवनों तथा जैव मात्रा की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। क्या इस संदर्भ में भूतापीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा भिन्न है। आप जल विद्युत ऊर्जा तथा तरंगों ऊर्जा को किस श्रेणी में रखेंगे। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऊपर जो आपने पढ़ा है इसी से संबंधित पढ़ सकते हैं। अब एक और लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिए, पर्यावरण विषयक सरोकार। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विविध स्रोतों के विषय में अध्ययन किया था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली हानि। यद्यपि हम देखेंगे सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं, परंतु यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जीवाश्म में ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है। कुछ प्रकरणों में जैसे सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो जा सकता है, परंतु यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरण क्षति हुई हो, और इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियां के निर्माण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सके और अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम क्षति पहुंचाए, फिर चाहे वो पर्यावरण की हो या किसी और। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, ठीक है, इसी जो आपने ऊपर छोटा सा टॉपिक पढ़ा है।
इसे भी पढ़ लीजिए, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? हमने पहले ही यह देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रह सकते हैं। इस प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, उन्हें ऊर्जा के समाप्त स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों की प्रति स्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें, तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं हम लोग। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह सौर ऊर्जा ऊर्जा की सतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है। इन भंडारों के खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य भी है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें लास्ट में आप लोगों ने क्या सीखा है, ये भी बताया गया है। हमारे जीवन शैली के स्तर में वृद्धि के साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में सुधार का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की को परखना और उसका दोहन भी करना चाहिए। हमें ऊर्जा के नवीन स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन संकटग्रस्त हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे ऊर्जा स्रोत का चयन उपलब्धता से में सरलता और ऊर्जा निष्कर्षण की लागत, ऊर्जा के स्रोत के उपयोग की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, ऊर्जा स्रोत के उपयोग पर पर्यावरण पर प्रभाव कैसे कारक निर्भर करते हैं। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस दिए गए इस अध्याय से संबंधित, इन्हें भी पढ़ सकते हैं। आप लोग खुद देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने में कितना मजा आया, क्योंकि आप देखेंगे कि पुराने चैप्टर क्या है कि क्रियाकलाप मतलब प्रयोगशाला मांगते हैं, और आप और हमारे पास प्रयोगशाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था ऊर्जा के स्रोत देख लिए हम लोगों ने, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को देख लिया है। अब हम देखेंगे आगे, अगला चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण। ये सभी चैप्टर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं और मेंस में भी आपके लिखने के लिए भी आते हैं। ठीक है।